उड़ीसा में बालासोर हादसे के दो दिन के बाद उड़ीसा सरकार ने दावा किया है कि हादसे में 288 नहीं बल्कि 275 लोगों की जान गई है। 4 जून को राज्य के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जेना ने बताया कि हादसे के बाद कुछ शव दो बार गिन लिए गए थे, जिस वजह से आंकड़ों में गड़बड़ी हुई। As you know, yesterday, railway had, in the end, said that the number of deaths have, been 288, which we also circulated and checked from data from the track, data from the hospitals. So finally, they found that few dead bodies have been reported twice, double count. The death toll is 275, not 288. 2 जून को हुए हादसे में अब तक 1175 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 793 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। इधर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, इस बात की जानकारी रेल मंत्री ने दी। ये विषय अलग है, इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम वो होता है जिसमें ट्रेन का ट्रैक तय किया जाता है। इससे पहले 3 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना स्थल का जायजा लिया था, जिसके बाद पीएम मोदी बालासोर के अस्पताल पहुंचे और घायलों से बातचीत कर हालात का जायजा लिया। दरअसल लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी, बालासोर स्टेशन से चली कोरोमंडल एक्सप्रेस भी लूप लाइन पर चली गई और सेम ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन के डिब्बे 2 ट्रैक पर बिखर गए और इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। इसके बाद पास वाले ट्रैक पर सामने से दुरंतो एक्सप्रेस आ रही थी, जो कोरोमंडल के बिखरे डिब्बों से टकरा गई। इस रूट पर ट्रेनों के बीच टक्कर रोकने वाला कवच सिस्टम भी नहीं था। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेन की बोगियां मलबे में तब्दील हो गई। माना जा रहा है कि अभी भी कई लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। वहीं हादसे वाले इस रूट की कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।